अल्लाह वाला इस ताल्लुक से हम नहीं जानते। किसी ने सवाल किया, आपने भी कहा कि सोने के बाद तमाम रूहें एक जगह जमा हो जाती हैं, लेकिन मरने के बाद हमारे रिश्तेदार हमारे ख्वाबों में कभी अच्छी हालत और कभी तकलीफ की हालत में आते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? देखिए, ख्वाब और इसकी ताबीर ये एक बहुत मुश्किल और बड़ा फन है, नॉलेज है, याद रखिए। और ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि उससे वो ये कह सके कि हाँ इसका माना इसका माना, सिवाय जो अहले इल्म होते हैं, बिलखसूस ताबीर और रुया ख्वाबों के, जिसको कहते हैं माने क्या होते हैं, बहरहाल ख्वाबों के ताल्लुक से जहाँ तक माना है मैं उसका इल्म बिल्कुल नहीं रखता। हाँ, जो चंद ख्वाब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के आते, 30 ख्वाब है जो जमा किए गए हदीसों किताब से, उन ख्वाबों के बारे में तो मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन ख्वाबों की ताबीर होती है ये फ़र्द शख्सियत और कुछ तो लिखते हैं इसके फ़न के माहिर के मौसम के अतबार से भी ताबीरत मुख्तलिफ होती है, लिहाजा चूँकि मैं उसका इल्म नहीं रखता, तो क्या ख्वाब में आना उनके अच्छाई बुराई की अलामत है? वल्लाह वालम इसका इल्म मैं नहीं रखता। अस्सलामु अलैकुम।